तो अभी तक तो दोस्तों आपने सीख लिया होगा, अब ये जो शेप्स हैं वो मैंने कैसे कट किए हैं, कौन कौन से डायमेंशंस लिए हैं सभी शेप्स के, बाकी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब दोस्तों इस छोटी सी एक्टिविटी से हम पैरामीटर को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने मैग्नेट का यूज़ किया था, तो यहाँ पे देख सकते हो दो मैग्नेट मैंने यहाँ पे लिए हैं, एक मैंने पेस्ट किया है इस बॉय के ऊपर और दूसरा ये मैग्नेट हम यूज़ करेंगे किसी भी लेंथ के नीचे रख के इस तरह से ऐसे। तो अब इसको हम एक्सप्लेन करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले मान लीजिए हमारे पास कोई भी टू डायमेंशन शेप है, उसमें अगर पैरामीटर समझाना चाहते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपने एक स्टोरी क्रिएट करनी है जिसमें आपने कहना है कि ए मान लीजिए कोई किड है, वो खेल रहा है और चक्कर लगा रहा है डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारी शेप्स हैं, तो इन सभी के चक्कर लगा रहा है। तो बॉय यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ, इस तरह से गया पहले वो, फिर इस तरह से गया, फिर वो यहाँ गया और वापस अपनी जगह पे पहुँच गया। तो उसको कितना चलना पड़ा, तो देखा जाए तो यहाँ पे मैंने शो किया हुआ है, तो 12 सेंटीमीटर यहाँ चलना पड़ा, उसी तरह से यहाँ पे कितना चलना पड़ा, 23, 12 और 23 हो गए 25। अब जितना यहाँ पे है 12 सेंटीमीटर उतना यहाँ होगा, तो यहाँ पे भी 12 हो गया और ये सामने वाला भी कितना हो जाएगा, 23। तो 25 ये हो गया और 25 ये हो गया, तो टोटल उसको कितना चलना पड़ा, 25 और 25 कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। अब देखिए जो दोस्तों ये जो लेंथ है जो हम माप रहे हैं यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक और वापस आने तक जो टोटल लेंथ है, जो उसको हम नाम देते हैं किसका, पैरामीटर का। तो आउटर जो बाउंड्री होती है किसी भी शेप की, उसकी जो टोटल लेंथ होती है उसको हम क्या नाम देते हैं, पेरीमीटर का। तो कैसे उसको आप शो करोगे, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों इस तरह से मैग्नेट की मदद से आप उसको मूव करोगे एक जगह से दूसरी जगह। तो फिर आप दोस्तों एक क्वेश्चन पूछोगे अपने स्टूडेंट से, तो उस क्वेश्चन से ही आपको इस पैरामीटर के कंसेप्ट को क्लियर करना है, ठीक है। तो ये एक छोटी सी एक्टिविटी होगी जिससे हम पैरामीटर के कंसेप्ट को समझा सकते हैं।